गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 42 कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट कैंसर देखा था, इस पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स देखेंगे। तो फर्स्ट आते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स, जिसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरिथामिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेलफेलन, यूरासिल मस्टर्ड, क्लोरम्बियोसिल। उसके बाद आते हैं इथिलीन अमीन्स, जिसमें आता है ट्राइथिलीन मेलामीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TEM। उसके बाद आते हैं ट्राइथिलीन थायो फॉस्फोरामाइड, जिसे थीन टेपा भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आता है अल्काइल सल्फोनेट, जिसका एग्जांपल है बूसल्फन। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एंटी मेटाबोलाइट्स की, जिसके अंदर फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिथोट्रेक्सेट। उसके बाद प्यूरिन एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है 6-मरकैप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन। उसके बाद पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फ्लूरोयूरासिल और साइटोसिन अरेबिनोसाइट्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है एंटी कैंसर ड्रग्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, जिसमें एग्जाम्पल आता है रेडियो आयोडीन और रेडियो फॉस्फोरस। आफ्टर दैट फोर्थ आते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसमें एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिन डी, रूबिडोमाइसिन, मिटोमाइसिन। देन फिफ्थ हॉर्मोन्स आते हैं, जो कि यूज होते हैं एज ए एंटी कैंसर ड्रग, उसमें आते हैं एंड्रोजन्स, इस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर सिक्स में आते हैं एंजाइम, जिसका एग्जाम्पल है एल एस्परजिनेस। आफ्टर दैट मिसेलिनियस एजेंट्स आते हैं, उसमें आता है विंका अल्कोलाइड, जो कि विंका नाम के जो प्लांट होते हैं उसमें से मिलता है। इसमें वेल नोन ड्रग है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। और अदर्स में आता है सिस प्लैटिनम और हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो अभी हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग्स है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, दे एक्ट बाय द मैकेनिज्म नोन एज अल्काइलेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है अल्काइलेशन। तो इसमें क्या होता है, इन विच निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ सेल दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन कंबाइंस विद द पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एजेंट। तो जो एंटी कैंसर एजेंट होता है, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि रिएक्ट करता है निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, उसके साथ ये कंबाइन होता है, जिसके वजह से जो सेल का मल्टीप्लीकेशन है और सेल प्रोलिफरेशन है वो स्टॉप हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, और जो सेल अवेलेबल है उनका डेथ हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट काम करता है। The action resembles to that produced by irradiation by ionizing radiation, hence known as radiomimetic substance. तो इसका जो action है alkylating agent का, ये similar to ionizing radiation जैसा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं radiomimetic substance. तो अभी इसमें first example है cyclophosphamide. तो ये tablet और injection form में available होता है, इट इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव मेटाबोलाइट इन द लिवर। तो ये साइक्लोफॉस्फामाइड जो है ये एक्ट एज अ प्रोड्रग करके काम करता है, जो कि लीवर में जाने के बाद मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, और ये मेटाबोलाइट जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में काम करता है। इसका जो ओरल डोज है 100 mg डेली है फॉर रैपिड एक्शन, और इसे इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में आता है ल्यूकोपेनिया, एलोपेशिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑल अल्काइलेटिंग एजेंट कॉज नौशिया एंड वोमिटिंग। तो साइड इफेक्ट में ल्यूकोपेनिया मींस जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका काउंट कम होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, एलोपेशिया हो जाता है पेशेंट को, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस जो प्लेटलेट काउंट है वो भी कम होता है जो भी पेशेंट साइक्लोफॉस्फामाइड का ट्रीटमेंट लेता है। इसके अलावा नौशिया और वोमिटिंग ये कॉमन सिम्टम्स है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के। मार्केट प्रिपरेशन में साइटोक्सेन और एंडोक्सेन ये
फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा ड्रग आता है क्लोरामब्यूसिल, ये भी ओरली दिया जाता है 5 to 10 mg डेली। द ड्रग इज लेस टॉक्सिक एंड यूज इन ल्यूकेमिया एंड कार्सिनोमा ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये जो ड्रग है क्लोरामब्यूसिल बहुत ही लेस टॉक्सिक है और ये स्पेशली जो ब्लड कैंसर है उसमें यूज होता है, ल्यूकेमिया में। इसके अलावा जो ओवरीज और टेस्टिस के कार्सिनोमा है, जो कैंसर है जो बहुत फास्टली स्प्रेड होता है, उसमें भी क्लोरामब्यूसिल एज ए ट्रीटमेंट करके यूज होता है। इसके साइड इफेक्ट, इट इज वेल टॉलरेटेड एंड हेंस द साइड इफेक्ट ऑकर्स रेयरली। तो ये इसके जो साइड इफेक्ट्स है बहुत ही कम है और बहुत ही रेयरली साइड इफेक्ट दिखते हैं इन पेशेंट। बोन मैरो डिप्रेशन में ऑकर, तो जो बोन मैरो होता है, जो भी पेशेंट क्लोरामब्यूसिल ले रहा है उसका बोन मैरो में डिप्रेशन आता है, मीन्स वो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो मार्केट प्रिपरेशन में इसका आता है ल्यूकेरन। इसके बाद थर्ड है बुसेल्फन, ये है ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो ये माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है और ये अगर क्रोनिक स्टेज में है तो बोसेल्फन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसमें 2 to 4 mg डेली डोज होता है जो कि ओरली दिया जाता है पेशेंट को। इफ गिवन इन एक्सेस डोज में कॉज अप्लासिया ऑफ बोन मैरो। तो ये अगर पेशेंट को एक्सेस डोज में दिया गया तो बोन मैरो जो है वो पेशेंट का उसमें अप्लासिया आ जाता है, मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है वो दोनों जो है वो हम बोल सकते हैं वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एज वेल एज उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर वो पेशेंट बुसेल्फन को एक्सिस डोज में ले रहा है। मार्केट प्रिपरेशन में आता है माइलेरन और मिटोस्टैट। तो ये हो गए अल्काइलेटिंग एजेंट। इसके बाद आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में। दिस आर द सब्सटेंस विद स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विथ नेचुरल सेल मेटाबोलाइट्स। तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये हम बोल सकते हैं समवॉट सिमिलर टू मेटाबोलाइट्स। जो नेचुरल मेटाबोलाइट्स होते हैं सेल सेल जो हमारे बॉडी में होता है वो सेल का जो ग्रोथ होता है एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन होता है उसके लिए जो मेटाबोलाइट्स लगते हैं उसकी तरह ही सेम ये एंटी मेटाबोलाइट्स भी दिखते हैं, मीन्स ये कॉपी होता है ओरिजिनल का। तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं सेल मेटाबोलाइट को, जिसके वजह से सेल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका ग्रोथ में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने का काम ये एंटी मेटाबोलाइट करते हैं। तो मेटाबोलाइट और एंटी मेटाबोलाइट में सेल जो है ये कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो एंटी मेटाबोलाइट है ये कॉम्पिटिटिवली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा एक्वायर करते हैं सेल का रिसेप्टर को, जिसके वजह से सेल्स के साथ ये बाइंड होके उसे उसका जो ग्रोथ है उसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं और इसके वजह से सेल जो कैंसरस सेल है उसका डेथ होता है। क्लिनिकली यूजफुल ग्रोथ इनिबिटिंग एंटीबोला मेटाबोलाइट्स आर एज फॉलो। तो ये हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं बट फिर से देखते हैं। प्यूरिन एनालॉग में आता है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट में आते हैं मिथोट्रेक्सेट अमाइनोप्टेरिन। उसके बाद पायरिमिडिन एनालॉग में आते हैं 5-फ्लोरोयूरासिल और फ्लूरोडेक्सीयूरिडिन। उसके बाद ग्लूटामिन एंटागोनिस्ट में आता है अजासेरिन। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं 6-मरकेप्टोप्यूरिन। ये इट इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द सेल। तो जो सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है उसका सिंथेसिस में इंटरफेयर लाने का काम कौन करता है, 6-मरकेप्टोप्यूरिन। तो ये इसका मेन एक्शन है। इट इज यूजफुल इन एक्यूट ल्यूकेमिया। तो जो ब्लड कैंसर होता है उसमें ये यूज करते हैं।
इट इज गिवन ओरली इन द डोज ऑफ 2.5 mg/kg बॉडी वेट डेली. तो जो पेशेंट का वेट है उसके हिसाब से पर केजी के हिसाब से 2.5 mg पेशेंट को ओरल रूट से 6-mercaptopurine दिया जाता है. साइड इफेक्ट में इसका भी ल्यूकोपेनिया मींस जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका काउंट कम होने लगता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है, एनोरेक्सिया मींस वेट लॉस होने लगता है वो पेशेंट का ड्यू टू लॉस ऑफ एपिटाइट, उसे भूख नहीं लगती, वो पेशेंट को भूख नहीं लगती इसलिए वो खाना नहीं खाता और उसके वजह से एनोरेक्सिया होता है, वोमिटिंग एंड डायरिया ये इसके साइड इफेक्ट है. मार्केट प्रिपरेशन में प्यूरिनिथल ये जो फॉर्मुलेशन है ये ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है 6-mercaptopurine का. उसके बाद आते हैं मिथोट्रेक्सेट पे. ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है. फोलिक एसिड जो है ये नेचुरल मेटाबोलाइट है जो कि सेल में होता है. ये कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड में जिसे FAH2 बोलते हैं और फिर ये कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में जिसे FAH4 बोलते हैं और यही जो है यूज होता है फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है वो यूज होता है जो कि मेटाबोलाइट फोलिक एसिड से बनता है. द डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटर कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय मिथोट्रेक्सेट. तो ये जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड को इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, तो ये जो एंजाइम है इसको इनिबेट करने का काम जो है ये मिथोट्रेक्सेट करता है जिसके वजह से डायहाइड्रोफोलिक एसिड ये कन्वर्ट नहीं हो पाता टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में और उसके वजह से डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता और सीजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस होता है और इस तरह से हमारा मिथोट्रेक्सेट ये एंटी न्यूरोप्लास्टिक और एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है. तो मिथोट्रेक्सेट को ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं, ये जीआई ट्रैक से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका डेली डोज 2.5 to 5 mg होता है. एडवर्स इफेक्ट में ल्यूकोपेनिया, इंटेस्टिनल अल्सरेशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एलोपेशिया आर सम नोन एडवर्स इफेक्ट आते हैं. तो ल्यूकोपेनिया इससे पहले हम देख चुके हैं, यहाँ स्पेलिंग गलत हुआ है, LEUKO है, CO हो गया है. तो ल्यूकोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट. इंटेस्टिनल अल्सरेशन मीन्स ये जीआई ट्रैक से एब्जॉर्ब होता है तो इंटेस्टाइन में ये अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है. इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट. इसके अलावा एलोपेशिया मीन्स हेयर फॉल, ये सब एडवर्स इफेक्ट है हमारे मिथोट्रेक्सेट के. तो यहाँ पे हमारा कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर ये चैप्टर खत्म होता है. इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.